हलचल टीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने नरेंद्र मोदी बारे एक बार फिर से निशाना साधा है। आजम खान ने देश में बीजेपी की नई सरकार बन जाने पर नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब नरेंद्र मोदी को मजहबी बातें छोड़कर देश में बेरोजगारी को दूर करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत है और पढ़े लिखे और हुनरमंद बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसी बात ना हो जिससे मजहबी रवादारी पर कोई आ जाए, माहौल अच्छा रहे, नई सरकार बनी है, पूरे देश में चुनाव का माहौल था, उससे राहत मिली है, अच्छी सरकार हो, लोगों के लिए भलाई के काम करे, ईद अच्छी हो, दिवाली अच्छी हो, मिले जुले त्यौहार हैं, सब मिला जुला माहौल बने, ख़ास तौर से बेरोज़गारी दूर हो, नौकरी मिले। बहुत बेरोज़गारी है, काम ख़त्म हो गए, न लोगों के पास डिग्रियों का कोई इस्तेमाल रह गया है, ना अपनी सलाहियत का कोई इस्तेमाल है, वो बहुत भूखों मर रहे हैं, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।